नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूनिट थर्ड स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया था। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने रमन इफेक्ट स्टडी किया था। रमन इफेक्ट जो है वो लाइट की स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। रमन इफेक्ट जो है वो लाइट स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है। आप लोगों को जब मैंने बताया था कि लाइट की स्कैटरिंग से दो तरीके के कोलोजन्स होते हैं, लाइट स्कैटरिंग में दो तरीके के कोलोजन्स होते हैं, इलास्टिक कोलोजन्स और इन इलास्टिक कोलोजन्स। इलास्टिक कोलोजन्स में एनर्जी चेंज नहीं होता है, मीन्स उससे मॉलिक्यूल से वो लाइट टकराई, टकराने के बाद वो बिखर गई और वो अपनी उतनी ही एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, वो किसी भी तरीके का न तो उसने एनर्जी मॉलिक्यूल को दी और न ही मॉलिक्यूल से एनर्जी वापस ली, यही बताया था। इससे जो बनता है आपका रेले लाइंस बनती हैं, या इस इफेक्ट को रेले इफेक्ट कहा गया। उसके बाद इन इलास्टिक कोलोजन्स में आपको ये कहा कि यदि ये लाइट चार्ज पार्टिकल्स के साथ में टकराती है, तो चार्ज पार्टिकल्स के साथ में जब टकराएगी और ये अपनी एनर्जी देगी या उस पार्टिकल से एनर्जी लेगी, दोनों ही केस में जो है वो इस इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाएगा। अब यदि मॉलिक्यूल्स के साथ, इसको सबसे पहले सीवी रमन ने देखा था कि मॉलिक्यूल्स के साथ, ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स में होता है, मतलब बिलियंस मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स ऐसा भी होता है जिससे लाइट टकराएगी। टकराने के बाद या तो वो लाइट इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देके स्कैटर्ड होगी या वो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी लेके स्कैटर्ड होगी। तो इस इफेक्ट को सबसे पहले रमन ने देखा था, इसलिए इसको रमन इफेक्ट कहा गया। रमन इफेक्ट क्या है? स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल नहीं होती है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट ने अपनी एनर्जी या तो दे दी, जब एनर्जी दे देता है तो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, और जब उससे एनर्जी ले लेता है मॉलिक्यूल से तो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके आधार पे हमें दो तरीके से, हमने इस रमन शिफ्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सा? स्टोक और एंटी स्टोक। तो हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें तीन लाइनें मिलती हैं, रेले लाइंस मिलती हैं, जहां पे लाइट आई, मॉलिक्यूल से किसी भी तरीके का इंटरेक्ट नहीं किया, टकराई और वो अपनी उतनी ही एनर्जी के साथ में स्कैटर्ड हो गई। तो वहां पे जो लाइनें मिलेंगी वो रेले लाइंस मिलेंगी, और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है। लेकिन जब हम बात करें कि वो मॉलिक्यूल से टकराई, उसने एनर्जी दे दी या उससे एनर्जी ले ली, तो हमें दो तरीके की लाइनें मिलती हैं, स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस। क्या मिलेंगी? स्टोक लाइंस में स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है और एंटी स्टोक लाइंस में स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। मींस जब वो मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेता है तो एंटी स्टोक लाइंस बनती है, और जब वो मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी दे देता है तो स्टोक लाइंस बनती हैं। और कुछ आपने इस तरीके का एक स्पेक्ट्रा देखा था, यहां पे रेले लाइंस बनाई थी मैंने, जहां पे न्यू इक्वल टू न्यू इंसिडेंट और न्यू स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी को हमने इक्वल दिखाया था, और इन लाइंस को हमने क्या बोला था? रेले लाइंस। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? रेले इफेक्ट, कि वो मॉलिक्यूल से किसी भी तरीके का इंटरेक्ट नहीं कर रही। उससे पहले तो यही पढ़ा था, लेकिन जब सीवी रमन ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो लाइट है ये मॉलिक्यूल से टकराई, टकराने के बाद ये लाइट जो है वो मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी दे भी दी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी दी गई और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ली गई।
मीन्स हमें दो सिचुएशंस क्रिएट हुई जहां पे स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन्स बनी। तो इधर तो हमने बनाई थी एंटी स्टोक लाइन्स मिलती हैं और ये रेले लाइन के इस तरफ स्टोक लाइन्स बनती हैं। एंटी स्टोक लाइन्स, ये स्टोक लाइन्स और एंटी स्टोक लाइन्स क्या कहलाती हैं? रमन लाइन्स। क्या कहलाएंगे? ये रमन लाइन्स कहलाएंगे। और ये जो रेले लाइन्स है, स्टोक लाइन्स या एंटी स्टोक लाइन्स का जो शिफ्ट है, इसको हम रमन शिफ्ट कहते हैं। ये जो रेले लाइन्स और स्टोक लाइन्स या एंटी स्टोक लाइन्स के बीच का ये जो शिफ्ट है, इसको हम रमन शिफ्ट कहा जाएगा। यहां तक का पोर्शन मैंने कल की क्लास में आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या होता है। देखो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन टेक्निक पे बेस्ड है। यही बताया था कि लाइट आती है, उस मॉलिक्यूल्स पे जब हम लाइट डालते हैं तो वो उन लाइट को, कुछ स्पेसिफिक लाइट को अब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है, और उससे जो हमें स्पेक्ट्रा मिला था उसी को हम आईआर स्पेक्ट्रा कहा गया था, क्योंकि वो आईआर रीजन में मिल रहा था। यही बात हुई थी, मीन्स वहां पे जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं लाइट का, क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, और उनसे जो स्पेक्ट्रा आता है उसको हम आईआर स्पेक्ट्रा कहते हैं। बात आती है रमन स्पेक्ट्रा में। रमन में मैंने क्या कहा कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं। तो रमन जो स्पेक्ट्रा आता है वो लाइट स्कैटर्ड से आता है, और आईआर जो स्पेक्ट्रा आता है वो लाइट के एब्जॉर्प्शन से आता है। तो पहला डिफरेंस, हम जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो आईआर और रमन के बीच में पढ़ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड रमन। आईआर और रमन, पहला किससे आ रहा है? आईआर स्पेक्ट्रा हमें किससे मिलता है? लाइट के एब्जॉर्प्शन से मिलता है। आईआर स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किसके द्वारा? बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। आईआर जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो आपको किससे मिलता है? लाइट के अब्जॉर्प्शन से मिलता है। अब आते हैं रमन। रमन स्पेक्ट्रा जो है वो आपका किससे मिलता है? लाइट की स्कैटरिंग से मिलता है। लाइट की स्कैटरिंग से मिलता है, विकिरणों के परकिरणन से मिलता है हमें रमन स्पेक्ट्रा, और विकिरणों के अवशोषण से जो मिलता है वो उससे हमें आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है। चलो आगे, कंपित मॉलिक्यूल के द्वारा, कंपित जो आपके अणु हैं उनके द्वारा जब लाइट विकिरण अवशोषित की जाती है तो हमें आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है, और जब लाइट को, विकिरणों को परकिरणित किया जाता है तो हमें रमन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो रमन स्पेक्ट्रा को लिखते हैं, रमन स्पेक्ट्रा इज
ड्यू टू स्कैटर्ड स्कैटरिंग सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द किसके द्वारा वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। फर्स्ट डिफरेंस सबको समझ में आया, अब आता है सेकंड डिफरेंस। सेकंड क्या कहता है कि देखो हमने मैंने अभी तो रमन की कंडीशंस नहीं पढ़ाई हैं आप लोगों को, तो रमन में तो क्या होता है मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन चेंज होता है। क्या होता है पोलराइजेशन चेंज होता है। और यहाँ पे आईआर में क्या है, कौन आईआर एक्टिव थे, जिनका डाइपोल मूवमेंट होता है। यही पढ़ाया था आईआर की हमने कंडीशंस पढ़ी थी। याद करो कि आईआर कंडीशंस में हमने क्या कहा था कि जब जो रेडिएशंस डाली हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और जब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इक्वल होती हैं तो ही वो मॉलिक्यूल उन रेडिएशंस को अब्सोर्ब करेगा। पहली कंडीशन ये बताई थी। दूसरी कंडीशन आपको क्या बताई थी कि जब मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा तो वाइब्रेशंस के दौरान इस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है या इस डाइपोल मूवमेंट का क्या चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट में चेंजेस के कारण बनता है और यहाँ पे पोलराइजेशन के कारण, पोलराइजेशन चेंजेस के कारण बनता है। यहाँ चेंज इन डाइपोल द आईआर स्पेक्ट्रा ड्यू टू चेंज इन डाइपोल चेंज इन डाइपोल मोमेंट। और यहां पे क्या होगा चेंज इन पोलराइजेशन। चेंज इन पोलराइजेशन, जब पोलराइजेशन चेंज होगा तो हमें रमन स्पेक्ट्रा मिलेगा और जब डाइपोल मोमेंट चेंज होगा तो आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। चलो आगे, रमन में हम वाटर मॉलिक्यूल एज ए सोलवेंट लेते हैं लेकिन आईआर में हम वाटर मॉलिक्यूल सोलवेंट की फॉर्म में नहीं लेते, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कैसा है आपका पोलर सोलवेंट। वाटर मॉलिक्यूल कैसा है पोलर, पोलर है तो उसका डाइपोल मूवमेंट होगा उसके साथ, मीन्स उसका डाइपोल मूवमेंट चेंज हो जाएगा। तो आईआर में क्या है, वाटर कैन नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फॉर्म में हम आए वाटर मॉलिक्यूल नहीं लेते, किसमें आईआर में, जबकि रमन में हम वाटर मॉलिक्यूल एज ए सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। तो क्या है वाटर मॉलिक्यूल या वाटर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम वाटर मॉलिक्यूल को, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हम सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पोलर होते हैं, पोलर है तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा और डाइपोल मोमेंट होगा तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे वाइब्रेशंस के दौरान डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा तो आईआर पीक्स आ जाएंगे। तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि ये वाटर के कारण आ रही है या जिस कंपाउंड की हम आईआर पीक ले रहे हैं उसके कारण आ रही है, इसलिए हम वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे काम नहीं लेते हैं। जबकि रमन स्पेक्ट्रा लेना होता है तो हम वाटर मॉलिक्यूल को एज ए सॉल्वेंट काम में ले सकते हैं। चौथा, इसमें जब मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रा पढ़ाया था तो उसमें जब मैंने कंडीशंस बताई थी कि कौन सी कंडीशन है, तो उसमें ये कहा था कि जो मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो आईआर इनएक्टिव होगा लेकिन वो रमन एक्टिव होगा। याद रखना, जो मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो आईआर इनएक्टिव होंगे। कौन से, होमोन्यूक्लियर।
होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो आईआर इनएक्टिव होंगे और वो रमान एक्टिव होंगे। तो अगला चौथा पॉइंट क्या है? होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल इज आईआर इनएक्टिव। क्या होंगे ये? आईआर इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पे डाइपोल मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है यहां पे डाइपोल मूवमेंट? कि भाई दोनों जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो सिमिलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहां पे क्या नहीं है? डाइपोल मूवमेंट नहीं है। जब परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है वो क्या होते हैं? आईआर इनएक्टिव होते हैं। इसलिए होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? आईआर इनएक्टिव। लेकिन ये कैसे होते हैं? रमन एक्टिव होते हैं। होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल इज रमन एक्टिव। क्या होंगे ये? रमन एक्टिव होंगे। ठीक है, लास्ट रमन में जो इंटेंसिटी आती है, रमन में जो लाइनें मिलती हैं, क्योंकि रमन की क्या कंडीशन रखी थी हमने? जब मैंने आपको रमन इफेक्ट कहा था तब मैंने क्या कहा था? मिलियंस मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल में ऐसा होता है। इसका मतलब रमन लाइन जो हमें मिलती है उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। मींस पॉपुलेशन कम, भाई उस तरीके कम मॉलिक्यूल्स के साथ वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगी। पॉपुलेशन कम तो वहां पे क्या होगा? इनकी लाइन की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। इसलिए हमें वहां पे कंसंट्रेशन क्या लेनी पड़ती है? हाई कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है। किसके कंपेरिजन में? आई आर के कंपेरिजन में। जबकि आई आर क्या है? लो कंसंट्रेशंस पे या डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ही भी हमें आईआर अच्छा मिल जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है? फिफ्थ, इन आईआर स्पेक्ट्रा डायल्यूट सॉल्यूशन यूज्ड, कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? डायल्यूट सॉल्यूशन यूज किया जाता है। और यहां पे कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाएगा? कंसंट्रेट एज कंपेयर टू आईआर के कंपैरिजन में ये सॉल्यूशन कैसा होता है? कंसंट्रेट होता है। क्यों होता है? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि रमन को हमने डिफाइन किया था तब क्या कहा था? कि मिलियंस मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट इंटरेक्ट करती है और उसके बाद स्कैटर्ड होती है, तभी हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा आता है या तभी हमारे पास रमन लाइंस आती है। नहीं तो क्या मिलेंगे हमें? रेले लाइंस। उससे हम कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या जरूरी होता है? सॉल्यूशंस कंसंट्रेट होना चाहिए, तभी हमारे पास जो रमन स्पेक्ट्रा है वो क्लियर आता है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई? आज हमने जो पढ़ा वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस पढ़ा। पहला था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब करती है, जब वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स लाइट को अब्सॉर्ब करता है तब जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है वो आईआर स्पेक्ट्रा होता है, और रमन स्पेक्ट्रा में लाइट स्कैटरिंग की जाती है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, दूसरा हमने जो लिखा कि आईआर जो आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कि उनका डाइपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए। और रमन के लिए हमने क्या लिखा? उनकी पोलराइजेशन चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? पोलराइजेशन चेंज होना चाहिए।
तीसरा डिफरेंस हमने लिखा कि रमन आईआर में जो है वो होमोलाइटिक होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आईआर इनएक्टिव होते हैं, जबकि वो रमन एक्टिव होते हैं। चौथा हमने ये कहा कि वाटर जो है वो आईआर में एज ए सोलवेंट काम में नहीं लेते हैं, जबकि रमन में हम एज ए सोलवेंट काम में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट लिखा कि आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशंस का भी आईआर स्पेक्ट्रा बहुत अच्छा मिलता है, जबकि रमन में सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस आईआर जो ले रहे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं क्लासिकल थ्योरीज पे। उससे पहले आपको मैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, इस थ्योरी को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वेव नेचर के बारे में बताना चाहती हूँ। वेव नेचर जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है, लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है, मीन्स वेव नेचर भी होता है उसके साथ और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो लाइट का जो नेचर होता है वो कैसे नेचर का होता है, दो तरीके का होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर के साथ जो थ्योरीज एसोसिएट होती है वो क्वांटम थ्योरीज है, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल नेचर के ऊपर ही बेस है कि लाइट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है और उनकी एनर्जी जो है वो फोटोन के इक्वल होती है, यही माना था। और यहाँ पे जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं वो क्वांटम थ्योरीज पढ़ते हैं। रमन इफेक्ट को हम क्वांटम थ्योरीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्लासिकल थ्योरीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो वेव नेचर है उसके थ्रू हम क्या बताते हैं, क्लासिकल थ्योरीज, क्या बताई जाती है, क्लासिकल थ्योरीज। और रमन इफेक्ट को हम क्लासिकल थ्योरीज से भी डिफाइन कर सकते हैं और क्वांटम थ्योरीज से भी डिफाइन कर सकते हैं। रमन थ्योरीज सबसे ज्यादा क्लासिकल थ्योरीज के साथ एसोसिएट होती है। आपके सिलेबस में केवल और केवल क्लासिकल थ्योरीज दी हुई है, क्वांटम थ्योरी नहीं दी हुई, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लाइट के ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल तो जो स्कैटरिंग हो रही है वो भी लाइट के नेचर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इस स्कैटरिंग को जो है वेव नेचर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेव नेचर से डिस्क्राइब करेंगे तो क्लासिकल थ्योरीज के बेस पे डिस्क्राइब करेंगे, जिसके साथ पोलराइजेबिलिटी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, पोलराइजेबिलिटी। अभी पढ़ा था ना हमने पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन क्या होता है, ये पढ़ते हैं। देखो आप क्या डाल रहे हो मॉलिक्यूल्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्या डालते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रहे हो उस मॉलिक्यूल्स पे, वही तो लाइट स्कैटर्ड हो रही है। तो जब किसी भी चार्ज पार्ट, जब किसी भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में रखते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो चार्ज है वो सेपरेशन होना शुरू हो जाते हैं, उस बॉन्ड में जो प्रेजेंट चार्ज है उनका सेपरेशन होता है। मींस ये कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, ये है, मैंने इस पे क्या डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली, क्या डाल रही हूं इस पे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रही हूं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्टिंग करना शुरू कर देंगे और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इसमें डाइपोल्स बन जाएंगे। भाई ये जो रेडिएशंस हैं इसका एक ये वाला पार्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मूव करती हैं, वो कैसे मूव करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रही है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पहले ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल इक्वल थे, पहले जो जब हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं डाली थी तब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इक्वल इक्वल थे, इक्वल साझेदारी थी इनकी, लेकिन जैसे ही मैं इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालती हूं तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो इस तरफ बढ़ जाएगा, इस तरफ बढ़ेगा तो इस पे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा डेल पॉजिटिव। डेल से हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग बढ़ी है ये पूरी तरीके से नहीं बढ़ती है, सिर्फ पार्शियली बढ़ती है, इसलिए पार्शियली साइन लगाए जाते हैं और इनसे मॉलिक्यूल जो बना वो डाइपोल क्रिएट हुआ, इसलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहा, क्योंकि इसको क्या किया गया, इंड्यूस किया गया, अपने आप नहीं बना, किसके कारण बना, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण बना, इसलिए इसको क्या कहा गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या कहा इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल। इस मॉलिक्यूल में क्या बन गए, इंड्यूस्ड डाइपोल, एक पॉजिटिव डाइपोल और एक नेगेटिव डाइपोल, ठीक है, एक पॉजिटिव डाइपोल बना और एक नेगेटिव डाइपोल बना। इस डाइपोल के कारण अब इसमें ये जो डाइपोल बना है इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन, क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पोलराइजेशन। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशन या वाइब्रेशन करेगा तो इसके ये डाइपोल्स जो हैं वो चेंज होंगे, या ये कहें कि इसका डाइपोल मोमेंट में चेंजेस आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि अब डाइपोल्स बन गए, जब रोटेशन करेंगे या वाइब्रेशंस करेंगे तो अब इनके डाइपोल मोमेंट में चेंजेस आएंगे, उस डाइपोल मोमेंट के चेंजेस के कारण क्या होगा, जो स्कैटर्ड लाइट है वो इससे ये लाइट लेंगे तो उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक बार इंक्रीज होगी और एक बार डिक्रीज होगी और उससे क्या बनेगा, हमारे पास रमन शिफ्ट आएगा, क्या आएगा, रमन शिफ्ट आएंगे, मीन्स स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस बनेंगे। तो कल हम आपको पूरी क्लासिकल थ्योरी पढ़ाएंगे रमन की, क्या हुआ कि लाइट जो होती है वो दो टाइप के नेचर की होती है, कौन कौन सी, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर के आधार पे हम क्वांटम मैकेनिक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मींस रमन इफेक्ट को हम क्वांटम थ्योरी से भी डिफाइन कर सकते हैं और रमन थ्योरी को हम क्लासिकल थ्योरी से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लासिकल थ्योरी से डिफाइन करने के लिए हम पोलराइजेशन यूज करते हैं, पोलराइजेबिलिटी काम में ली जाती है और ये पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितनी आसानी से शिफ्ट हो रहे हैं, ये क्या कहलाती है, पोलराइजेबिलिटी, और ये हर मॉलिक्यूल की अपनी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये बॉन्ड जितना ज्यादा लूज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा लूजली बाउंडेड होंगे वो उतनी ही आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड जो है वो जितनी ज्यादा, और उसको हम जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी या पोलराइजेशन के आधार पे उसको क्या कहा जाएगा, सॉफ्ट मॉलिक्यूल, और जिसमें ये जो है ये शिफ्ट ही नहीं होंगे उनको क्या कहा जाएगा, हार्ड मॉलिक्यूल। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉफ्ट मॉलिक्यूल की, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली शिफ्ट हो रहे हैं और ये किसमें होंगे, जिनके बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो, लूजली पैक हो, क्या हो, लूजली पैक हो, तो इजीली शिफ्ट हो जाएंगे।
इसलिए यहाँ पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और जिनके ये टाइटली बॉन्डेड हैं वहां पे पोलराइजेशन क्या होगी, कम होगी। तो जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा वहां पे रमन शिफ्ट भी ज्यादा, जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा वहां पे रमन शिफ्ट भी ज्यादा। ये क्लासिकल थ्योरी इसी के ऊपर बेस है। तो अब हम इस क्लासिकल थ्योरी को कल, आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये टर्म्स हम यूज करेंगे, कल मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर क्लासिकल थ्योरीज कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।